देश की सियासत के लिए साल 2017 उठा पटक वाला साल रहा। पूरे साल कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक की राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। इस साल कुछ ऐसे राजनीतिक फैसले लिए गए जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि ये फैसले आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेंगे। तो आइए जानते हैं उन 5 बड़े फैसलों के बारे में जो 2017 में लिए गए। नंबर 1, नीतीश का बीजेपी के साथ जाना। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया था, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश के इस फैसले से जहां बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा, वहीं नीतीश के बीजेपी के साथ आने से विपक्ष को भी जोरदार झटका लगा है। नंबर 2, योगी को यूपी की कमान। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान सौंपी। कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले योगी को सीएम बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी हिंदूवादी छवि से समझौता करने के मूड में कतई नहीं है। इतना ही नहीं, योगी को तो पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। नंबर 3, राहुल का कांग्रेस अध्यक्ष बनना। 2017 में आखिरकार वो पल आ ही गया जब राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। राहुल गांधी को ऐसे वक्त में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जो पार्टी महज 4 राज्यों तक सिमट कर रह गई। साथ ही उन पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की चुनौती भी है। नंबर 4, कमल हसन और रजनीकांत की सियासी पारी। पिछले साल जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली। इस पूरे साल साउथ के 2 बड़े एक्टर कमल हसन और रजनीकांत के राजनीति में आने की चर्चा होती रही। कमल हसन ने भले ही अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई है। वहीं माना जा रहा है कि रजनीकांत भी नए साल में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और नंबर 5, गुजरात की राजनीति में युवा नेताओं की एंट्री। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले 22 साल से बीजेपी का शासन रहा है, लेकिन इस बार 2017 के चुनाव में उसे जीतने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। प्रदेश के 3 युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इन तीनों को लेकर लोगों में जो उत्साह दिखा, उससे साफ है कि आने वाले सालों में ये तिकड़ी गुजरात की राजनीति में उभर कर आ सकती है। इंडिया न्यूज़, वारंट की रिपोर्ट।